मंदिर है, तुम हो आ सकते हो। सो बुमला पास से उतरते समय यहाँ पर एक टेंपल है और ये देखिए चारों तरफ पानी, बर्फ और सामने मंदिर। दो बंद है इस समय, भोलेनाथ का मंदिर है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और फ्रोजन लेक। अंदर तो नहीं जा सकता ना, जा सकता है। ओम नमः शिवाय, जय शंकर भगवान की, जय भोलेनाथ। सो मनीष गया है मंदिर दर्शन करने के लिए, वो आगे चल के गए हैं। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। सो बहुत ही शांति मिली यहाँ पर, बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा सा, बर्फ के बीचों बीच में, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर कौन रहता है, आप रहते हैं? आप बाहर से आए क्या? कुछ है क्या यहाँ पर? मछली देखने आए हैं। मछली है क्या? हाँ है ना सर, अभी नहीं निकला ना, आगे बहुत था। वो ट्राउट वाला मछली ना यहाँ पर? छोटा छोटा है। वो छोटा छोटा है, ये सब पंडित जी नहीं बैठता है? नहीं बैठते। ओके, आप यहीं पर रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू मानवी। सुंदर, सामने भी देखो एक लेक है, देखो ये तो बढ़िया लग रहा है ना। हाँ जी, सुंदर जगह। सोचो आगे भी होता तो जो आर्मी ऑफिशियल थे वहां पर, जिन्होंने हम लोग को बताया बिल्कुल जहां तक हम गए थे बॉर्डर पे, तो उन्होंने बताया कि ये एक पुरानी हिस्ट्री हुआ, बहुत सब बताया, हम लोग इतना याद नहीं। तो बोले कि 1962 में हम लोग वॉर हार गए थे चाइना से, और आप लोग को मालूम है कि चार चार दिन तक यहाँ पर जवान ना उनके पास खाने का राशन था, ना आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, और ये अच्छे कपड़े भी नहीं थे। बहुत कम में हम लोग फाइट किए और बाद में वो लोग शहीद हो गए थे। तो उसने बोला उस समय शायद मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर, और कुछ तो पॉलिटिकली कुछ हुआ था कि वहाँ से ऑर्डर्स नहीं आए थे, और यहाँ पर इसीलिए आर्मी के पास, अपनी इंडियन आर्मी के पास ना तो एम्यूनिशन थे ना एक्स्ट्रा वो था ताकि वो लड़ सके, वरना वो हारते नहीं। तो उन्होंने थोड़ी सी दबी आवाज में बोला कि आप समझ सकते हो वो बात को कि क्यों हम लोग आ रहे थे। तो वही पूरा पूरा बता रहे थे पुराने, कितने लोग शहीद हुए, किस तरह से उन्होंने लड़ाई की कम एम्यूनिशन में, तो बहुत कुछ था। एक एक कहते हैं ना, वहां जाके थोड़ा सा आपका दिल भरने लगा था, तो सुन के अच्छा लगा। तो आई वुड रिकमेंड आप लोग आइए यहाँ पर, समझिए थोड़ा सा। और सामने एक चाइनीज वाला खड़ा था, दो इट इज़ अ पीस ट्रीटी, और दोनों इंडिया और चाइना के बीच में वो LAC जैसे पल्लवी ने बताया है, लेकिन वो चाइना वाले को देख के पता नहीं क्यों मन में गुस्सा आ रहा था ऑटोमेटिकली। दो इट इज़ अ पीस, बट वो एक ऑटोमेटिकली आता है ना कि सुनते रहते हैं हम लोग के मन में फीड किया जाता है न्यूज से और अलग जगह से फीड होता है, इतना वो अंदर आ गए, 2 किलोमीटर अंदर आ गया, अरुणाचल में यहाँ से आ गए। इन्होंने बोला हम लोग हैं, डटे हुए हैं, इंडियन आर्मी अच्छे से काम कर रही है, और ये तो हमारे लिए शेम होगा कि वो अंदर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये भी बोला ना कि दिल्ली में बैठे हुए जंग नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, आपको ग्राउंड में रहना पड़ेगा, तो आपको ग्राउंड में रहना पड़ेगा। हम लोग वो हैं जो अपने अपने परिवार से प्यार नहीं करते, हम देश से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। तो ये पहुंच गए हम लोग वाई जंक्शन। देखिए यहाँ से अभी लेफ्ट हैंड साइड तवांग के लिए, और राइट हैंड साइड जा सकते हैं संगेतसर लेक। तो चलिए संगेतसर लेक चलते हैं, ऑल्सो नोन एज माधुरी लेक। 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर 20 किलोमीटर में तवांग है, 20 किलोमीटर में तवांग है उस तरफ। तो 12 किलोमीटर हम लोग नीचे आ चुके हैं, 12 किलोमीटर ऊपर बुमला था, चलते हैं लेक देखने। Floating, weightless, under seas, diving, conscious. गुरु नानक देव जी वाटर पॉइंट। तो आगे एक गुरुद्वारा है, चलिए देखते हैं।
तीसरी उदासी गुरुद्वारा साहिब सतनाम वाहेगुरु। सो ये हिस्ट्री है यहाँ पर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आर्मी के जवान लंगर देखिए लगा रहता है 2400 घंटे। आप आके चाय बिस्किट खा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जा भी सकते हैं, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। कि सारी सारी सब इसको दियो आके निजे को खाओ पाई निजे हवा पे टी एंड बिस्किट। एक शॉर्ट में बता पाएंगे क्या है हिस्ट्री? बता, वीडियो में ले रहे हैं, थोड़ा सा चलेगा ना? तो गुरु नानक देव जी थे ना, फर्स्ट गुरु थे हमारे सिख धर्म के। वो दो बार इधर तिब्बत का यात्रा किया है, तिब्बत चाइना भूटान इन देशों का। तो इधर जो इधर बौद्ध धर्म के लामा गुरु थे उनको मिले थे, फिर उन्होंने क्या उधर भक्ति किया, तप किया था। अच्छा, फिर इधर से नगोला, पहले तवांग, तवांग से नगोला, नगोला होते हुए फिर आगे चाइना की तरफ चले गए। मुस्लिम धर्म में भी, क्योंकि पाकिस्तान में जन्म हुआ था, और सिख धर्म में भी, और क्या बौद्ध धर्म में। इनको क्या नानक लामा जा क्या रिम्पोचे गुरु का बोलते है। गुरु नानक जी का यहाँ भी बना रखा है, और एक ऊपर भी है वहाँ पर, तो जो लोग ऊपर नहीं जा पाते वो यहाँ पर मत्था टेक सकते हैं। दो जगह है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, अच्छा लगा। यहाँ पर चाय नाश्ता आप लोग कर सकते हैं, और बाकी पल्लवी से पूछते हैं अगर तुम्हें चाय पिया। अरे वाह, मानवी भी खा रही बिस्किट, अच्छा लगा। आपने खाया? अच्छा, 24 घंटा यहाँ पे चाय मिलती है। हाँ, 24 घंटा बहुत सारा बिस्किट रखा हुआ है। हाँ, सॉरी, I didn't get that. The internet is unreachable. Like a dream. पीछे साइनबोर्ड था फर्स्ट व्यू ऑफ लेक, लेकिन आज पूरा धुंध है तो दिख तो नहीं रहा है ऊपर से, नीचे जाके देखना पड़ेगा। कल शायद रात को बर्फबारी हुई थी यहाँ पे, तो गीला है, हो सकता है ब्लैक आइस भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे चलो। वाओ, सो आगे एक वाटरफॉल है मस्त बर्फों से, कितना सुंदर लग रहा है। Sungeshwar Lake, Songa Sear was originally pasturage of lake due to earthquake in 1971. So ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 1971 में अर्थक्वेक हुआ था वहाँ पे पहाड़ टूट के ये लेक बन गया, तो इसीलिए लेक में पूरा ये ब्रांचेस निकले हुए हैं। नाइस, Sungeshwar Lake। सो लेक के पास रोड खराब है, कम से कम 1 किलोमीटर अब पहुंच गए, शायद अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, यहीं से दिख तो रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, पूरा मौसम क्लाउडी है। संगेत सर, हाँ, सो ये है ऊपर से देखिए मैं ले रही हूँ, ये है लेक, कैसे देखो ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ये जंगल हुआ करता था, लेकिन जो अर्थक्वेक हुआ तो यहाँ पे लेक बन गया। नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से, ये बहुत ही यूनिक सा लेक है, ये पहली बार हमने ऐसा देखा है जहाँ पे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो सालों सड़ जाएंगे? नहीं नहीं, इसमें वही सड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पे शूटिंग हुआ था कोयला मूवी का। तो इसी वजह से इस लेक का नाम माधुरी लेक भी पड़ गया है, लेकिन ओरिजिनल जो नाम है
संगीत सर लेक है, बहुत खूबसूरत है। हम लोग ने ऊपर से आपको दिखाया, सोचे कि चलो पास में जाके दिखाएंगे, लेकिन देखिए मौसम खराब हो गया है तो धुंधला हो गया है, क्लाउड्स आ गए हैं, तो इसीलिए इतना व्यू क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सुंदर लेक है, ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं, पिक्सी के कारण सब कुत्ते आ गए। तो ये वाला लेक 1971 में अर्थक्वेक आया था, उस समय बना है पहाड़ गिर के, तो यही है माधुरी लेक और या संगेतसर लेक। आजा आजा बैठो, क्या रे पिक्सी को ढूंढ रहे हो? सब पिक्सी को ढूंढ। अरे इसकी आंख में क्या हुआ, देखो एक आंख चला गया। वो अंदर कुत्ता है ना, उसकी वजह से वो भौंकने रहा, वो भौंका होगा तो ये सब भौंक के आगे। ये वही वाटरफॉल है ना जो ऊपर से देखा था? हाँ वही वाला है, देखो नीचे आ रहा है, नाला है एक्चुअली। तो यहाँ से भी व्यू दिख रहा है लेक का। सो हम लोग थोड़ा, एक गोम्पा है उस साइड आ गए थे, रास्ता एक था पूरा क्लाउडी होने की वजह से दिख नहीं रहा अच्छे से। सो ये बैक साइड से लेक का व्यू है, और देख सकते हैं आप बीच में कैसे कैसे वो डंडे खड़े हुए हैं पूरे पेड़ों के, और लेकिन अभी धुंध आ गया है तो अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग टी गोम्पा चलते हैं, 2 किलोमीटर में है, ऐसी रोड है, थोड़ी सी खराब है इधर। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, देखिए दिख रहा है अच्छे से। बढ़िया सा इनका सेटअप है यहाँ पर, तो 2 फ्राइड राइस बोल दिया है, दोनों तीखा वाला बोल दिया है, साथ में चटनी भी देता है तीखा, हमने कहा फिर भी तुम तीखा बनाना, और 2 मैगी बोल दिया, एक नॉन तीखा एक तीखा, मम्मी और पापा के लिए। बढ़िया अंदर से उसने वो लगा रखा है बीच में, है क्या बैठने के लिए? बैठने के लिए भी अंदर है, मतलब कुर्सी उर्सी लगी है, क्या करोगे, मैं दिखाता हूँ। हेलो, तो ये है सेटअप आपका ना, इसको इसको क्या बोलता है ये वाला? बुखारी। 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 ओके ओके ओके। और ये कौन सा राइस है ये वाला? ये मोटा राइस है ना थोड़ा? हाँ बढ़िया, यहाँ बैठने का जगह है। तो मौसम करवटे बदल रहा है, कभी धुंध कभी नॉर्मल, ठंड मस्त है, और ये संगेस्टर लेक में है जैसे बताया, जो पीछे साइड में है लेक भाई माधुरी लेक। यहाँ खड़े, यहाँ एक ही ये शॉप है बढ़िया सी, उनके खाना पीना सब मिल जाता है आपको, जो चाहिए कुरकुरे से लेकर सारा आइटम, खाना पीना, और देखिए जिस टाइप का आइटम चाहिए आपको सब मिलेगा, माउंटेन ड्यू स्प्राइट एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो अगर सर दर्द कर रहा है और आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो अपना सर दर्द भगा सकते हैं यहाँ पर। तो 2:30 बज रहा है, तो हम लोग ये संगेतसर लेक के पास एक होटल है, संगेतसर होटल, तो यहाँ पे हम लोग फ्राइड राइस और मैगी खा रहे हैं। ओहो हो हो, बढ़िया सा एकदम गर्मा गर्म फ्राइड राइस, कौन सा चाहिए? तो बिरयानी लग रहा है। नहीं इसने तीखा स्पाइसी किया, ये देखो साइड में चटनी में डाला तीखा वाला। इतना बर्फ में घूम रहे हैं और ऐसे गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो क्या ही है। तो खूब मैगी खा लिया बहुत 2 दिन से, तो इसलिए आज राइस खा रहे। और एक बनवा दें। बस ऐसे टेस्ट किया। तो खा पी के टना टन 2:40, अब जा रहे हैं वापस अपने होम स्टे टुवर्ड्स तवांग। सो आई गेस यहाँ से कितना, यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। बाय बाय माधुरी लेक। माधुरी लेक मजा आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तरफ हो गए फ्राइड राइस खा के। अच्छा खा के मजा आया, मुझे लगा आके आज मजा आया। नहीं आके तो मजा आया ही, फिर थोड़ा सा भूख लगने लगी थी, खा लिया तब हो गए। तो यहाँ से देखिए लेक दिख रही है,
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बादलों के साथ। हम लोग यहीं पर गए थे। वापस हम लोग वो गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्होंने तप किया था गुरु नानक जी ने। कितनी ऊपर है देखिए, कितनी ऊपर। ये देखो ये एक गिर रहा है, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, छोटा छोटा है सामने गिर रहा। वो स्नो स्नोफॉल नहीं कहेंगे इसको, छोटे स्नो के जो जो फ्लेक्स गिरते हैं ना, स्नो का जब तुमने आईफोन में अपना स्नो डालो तो एक बन के नहीं आता है वैसा। आते समय पूरा क्लियर था इस एरिया में और फिर वो वापस जा रहे हैं और मौसम पूरा खराब हो चुका है, बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंद, जस्ट होपिंग कि स्नोफॉल हो जाए, लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, पूरा धुंध है आगे, हल्का हल्का देखिए स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो स्नोफॉल यहाँ गिरेगा। ये डैशबोर्ड में देखिए पूरा गिर रहा है छोटे छोटे। ये देखिए बालों के ऊपर स्नोफॉल नहीं, लेकिन हाँ हेल स्टॉर्म बोल सकते हैं शायद इसको। ये रहे पूरा विजिबिलिटी कम हो गया है। चलो चलो लेट्स गो। सो ये पहुंच गए हैं नगुला, आप रे कुछ दिख ही नहीं रहा ऑलमोस्ट नीचे पहुंच चुके हैं, बहुत ऊपर गए थे। अब 15,200 फीट और तवांग इज़ अट 10,000 फीट, तो तवांग मेरे को यहाँ से दिख रहा है, बस व्यू का एंजॉय करने के लिए रुके हुए हैं। ये देखिए पूरा दिख रहा है तवांग, मैं आगे से आपको दिखाती हूँ। बारिश हो गई है मस्त सी, ये देखिए तवांग पूरा मस्त पूरा दिख रहा है, हेलीपैड से लेके स्टेडियम से लेके सब दिख रहा है। ठंड बढ़ गई है, अभी बारिश हो रही है तवांग में, मेरे को नहीं पता। वो देखिए जायंट स्टैचू भी दिख रहा है, ये वाला जो हम लोग गए थे, अगर आप हम लोग को फॉलो कर रहे होगे तो
वीडियो आपने देखा होगा तवांग वाला, जहाँ पे हमने ये मॉनेस्ट्री और फिर वॉर मेमोरियल और ये जायंट स्टैचू कवर किया था। गाड़ी हमने यहाँ पार्क किया है, मस्त ठंडा ठंडा। तो पहुँच गया है मेन रोड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को नंबर बदलना पड़ेगा। यहाँ पे जाते समय हम लोग ने एंट्री कराया था जहाँ पे एक नंबर दिया था, सो यहाँ नंबर देना पड़ेगा। तो पहुँच गए हम लोग तवांग। थैंक यू, विजिट अगेन। अब होम स्टे के लिए 2.7 किलोमीटर। We reach finally Manvi. अरे बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं। होम स्टे पहुंच चुके हैं और लंबा सफर रहा। लंबा इन द सेंस डिस्टेंस वाइज तो कम है, 35 किलोमीटर बुमला और फिर आके फिर 12 किलोमीटर अंदर जाके, सो टोटल अराउंड आई गेस 80-90 ऐसे होगा। और पूरा दिन, मतलब आप 8:30 निकलते हो तो शाम को आके 4:30-5 बजे तक पहुंचोगे, फुल एंजॉय करके, फोटो वोटो खींच के ऐसे। तो हम लोग ने खूब एंजॉय किया, मम्मी पापा ने भी खूब एंजॉय किया। पहले तो डर रहे थे, बोले कि नहीं जाएंगे ये वो, सो गाड़ी से नहीं निकल रहे थे। फिर लास्ट में जब गए तो उनको बहुत मजा आया। और तो चलिए आज का जर्नी तवांग से बुमला पास, माधुरी लेक, संगीतकर लेक, बहुत अच्छा लगा। अभी पहुंच गए हैं, मैं पी रही हूँ चाय और ये पहले ही बाय बाय कर रही भाई, जो खत्म कर दें तो मम्मी को हाँ बोलो बाकी। सो मैं चाय पी रही हूँ और मानवी को सैरलेक पिला दिया। सो हम लोग का डिनर प्रिपरेशन चल रहा है, हम लोग ने रात के लिए ऑर्डर कर दिया है। सो थोड़ा जल्दी बोलना होता है आपको क्या खाना है, तो वो लोग प्रिपेयर कर देते हैं, जो ओनर है वही बनाती है और साथ में 2-3 हेल्प है। तो चलिए मैं आपको उनका किचन दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, और दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है आज। सो निकलते ही साइड में किचन है। तो आज खाने में आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए? सो ये तो मैम तेंजिन मैम है जो यहाँ के ओनर है, और तो ये है किचन जहाँ पे सब खाना वाना बनता है। तो चिकन मैरिनेट हो गया, चिकन मैरिनेट। अरे वाह सही है। तो वहाँ पे और खाना बन रहा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे से रखे हैं सब, क्रॉकरी यूनिट वगैरह यहाँ पे है। हाँ इसमें हमेशा आग जलता रहता है ना, मतलब गर्म पानी करने के लिए। अरे वाह नाइस। चलो बाहर, मैम का शायद एक नर्सरी भी है ना बाहर में, आप देख लीजिए नहर ना, सुबह दिखाते हैं कल। आई मानवी 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 बोल रही है कई टाटा पहले, बाय बाय वीडियो एंड करने। अभी रेस्ट लेते हैं और कल का और एक दिन बचा हुआ है, वो हम लोग आज अभी बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और अभी मानवी को फ्रेशन अप करते हैं, मानवी का अभी डायपर चेंज करते हैं। और मानवी का मैं डायपर यूज करती हूँ ये वाला सुप्रीम डायपर पैंट्स, ये साइज लार्ज में यूज करती हूँ। ये बचपन से ही, मतलब जब मानवी छोटी थी तब से यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटनी मटेरियल से बना हुआ है और इसका इलास्टिक जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से कमर में हक करके रखता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है और ये दाग नहीं बैठाता है कमर में। और इसका जो लाइनिंग है बहुत सॉफ्ट है, इसमें एलो एक्सट्रैक्ट है, तो कभी भी रैशेस का इशू नहीं होता है और आराम से फुल 12 आवर प्रोटेक्शन देता है। मतलब रात को अगर पहना के सुलाया तो कभी भी लीकेज का इश्यूज नहीं होता है और मानवी हैप्पी रहती है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ और यूज़ करती हूँ। अभी मेरे को ये साइज एल में है, लेकिन अभी मानवी बड़ी हो रही है तो मेरे को अभी शिफ्ट करना पड़ेगा एक्सएल में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तवांग से बुमला पास। अभी अगर मौका मिले नॉर्थ ईस्ट आने का, अरुणाचल प्रदेश आने का, तो तवांग जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सुंदर प्लेस है और बुमला पास जाके आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय 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 मानवी से बाय बाय। अभी तो नहीं बोल रही, पहले बोल रही मानवी से बाय बाय। पिक्सी यू टायर्ड?